जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों। लाडलो, बहुत सारे बच्चे एसएससी जीडी के रिजल्ट लेकर कि सर 15 अगस्त को रिजल्ट लग सकता है, कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 15 अगस्त को रिजल्ट लगने के चांसेस बहुत कम है। आप एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। होती है खुशी की कितना जल्दी नंबर आए। अब कुछ बच्चे जैसे मेरे पास में कोई हजारों मैसेज पड़े होंगे ऐसे, जिनमें एक ही टाइप का, सर मेरे 8 नंबर ज्यादा है, मेरे 5 नंबर ज्यादा है, मेरे 4 नंबर, मेरे 3 नंबर, मेरे 1 नंबर, कोई बोलता है मेरे 10 नंबर। इस प्रकार से बोला मेरे इतना ज्यादा, क्या मेरा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि इस बार जो बच्चा मेडिकल फिट हो रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि आप जो भी बच्चे मेडिकल फिट हुए सबका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, मैक्सिमम बच्चों का हो जाएगा। उसके पीछे रीजन भी मैंने पिछले वीडियो में आपको स्पष्ट किया था कि आपको मिलेगी, तो इसलिए बना रहा हूं। रिजल्ट का जो समय होता है ना, ये किसी के लिए भी हार्ड होता है। भले छोटे से एग्जाम का रिजल्ट हो, अगर 8th क्लास का रिजल्ट हो तो 8th क्लास के बच्चे के मन में ऐसे रहती है, 9th क्लास का हो तो उसके भी ऐसे रहती है। रिजल्ट कोई भी हो, और ये रिजल्ट तो मतलब आप मान के चलिए आपकी 2 साल, 4 साल, 5 साल की मेहनत को डिसाइड करता है, और आपके आगे के जीवन को भी डिसाइड करता है कि आपका आगे का जीवन कैसा होगा। जिन बच्चों की नौकरी लग जाएगी उनकी चाल ही बदल जाएगी, कल से वो मदरे मदरे चलेंगे, जैसे लिस्ट में नाम आ जाएंगे, गांव में छा जाएंगे, अलग ही पहचान बन जाएगी, जी वो बन गया फौजी है। तो मुझे पता आपकी एक्साइटेड कैसी है, आप इस समय आपके मन में कैसा विचार आ रहा होगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बाकी इस वीडियो में जो चीजें मैंने पहले बताई थी उससे रिलेटेड है कि कट ऑफ 1 नंबर ज्यादा, कोई 3 नंबर ज्यादा, 4 नंबर ज्यादा, कितनी लगेगी। मैंने आंकड़े पिछली बार आपको स्पष्ट कर दिए थे कि इस बार 3 गुना पास नहीं किए गए मेडिकल में, इस बार लगभग 1.5 गुना के आसपास ही पास किए गए थे मेडिकल में। और उसमें आप मेडिकल खुद देख के आए हो, मेरे से ज्यादा आपको भी पता होगा इस बारे में, आपने मेडिकल दिया है। ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है कि जहां पर 40 बच्चे मेडिकल देने गए हो और 40 के 40 फिट हो गए, नहीं, कम से कम वहां पर 15 बार हुए। और उसी आधार पे मैंने आंकड़े बताया था कि इस बार 50,000 सीटों पर मेडिकल पास के बच्चे जो मिलेंगे ना, वो 65,000 से 70,000 के बीच में मिलेंगे, यानी पोस्ट ऑफ वैकेंसी है 50,000 और मेडिकल पास मिलेंगे लगभग 65,000 के आसपास, 65 से 70, ठीक है, इसके आसपास क्या मिलेंगे, मेडिकल वाले बच्चे मिलेंगे। तो अब जो कट ऑफ रहेगी ना वो काफी लो रहेगी, जैसे आपकी फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी सबसे पहले, जो आपकी कट ऑफ लगी थी वो इस बार काफी ऊपर लगा दी, इसलिए लगा दी थी कि हर बार की तरह इस बार पास नहीं किए गए, हर बार 10 गुना पास किए गए जाते हैं और इस बार 8 गुना, इसीलिए आप कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई। आप तो बोल रहे थे कि कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाएगी, उसके पीछे रीजन 10 गुना मान के चल रहे थे और कट ऑफ गई 8 गुना, ये नया रूल हो गया था। फिर मेडिकल के लिए भी जब मैंने बताया था तो मैंने बोला 3 गुना पास करते हैं, और इससे पहले कि आप रिकॉर्ड देख लो 3 गुना पास करते हैं, लेकिन इस बार 3 गुना पास नहीं किए, इस बार लगभग 1.6 गुना ही पास किए गए। लेकिन अंतिम जो पद है उन पे तो 50,000 लेने ही पड़ेंगे ना, पोस्टों को तो कम नहीं कर सकते भाई, ये तो लेने ही पड़ेंगे। तो 50,000 जो ये पद है ये 65,000 के आसपास बच्चों में से भरे जाएंगे, तो कट ऑफ के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं यहाँ पर आके। हाँ, अगर हम कैटेगरी वाइज किसी राज्य की पर्टिकुलर बात करें, जैसे मान लो राजस्थान की, मैंने पिछली बार भी बात की थी, यूपी की, एमपी की, बिहार की, दिल्ली की, इन राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कैटेगरी वाइज कोई बच्चे हो सकता है कि उनकी कट ऑफ ऊपर चली जाए, जैसे ओबीसी की जा सकती है, क्योंकि इस बार एज में क्या हुआ था, छूट दी गई थी एक्स्ट्रा, ठीक है, या उस वजह से थोड़ी सी समस्या हो सकती है, कट ऑफ के आंकड़े ऊपर निकल सकते हैं, बाकी नहीं निकलेंगे। बाकी आप मान के चलिए औसतन जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के किसी के 8 नंबर ज्यादा है, किसी के 5 नंबर ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि 5-6 ये जो 8 वाले बच्चे हैं इनका भी इस बार नाम आ जाएगा, जिनके 8 नंबर ज्यादा है, जिनके 6 नंबर ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा नहीं है, कैटेगरी वाइज आप बीट हो सकते हो, आप देखोगे अपने इरादे से हो सकता है कि आपकी कैटेगरी की मेरिट ऊपर निकल जाए जनरल से, बाकी जनरल की मेरिट वहां से ऊपर नहीं जाएगी, जनरल की जो मेरिट है वो इनसे ऊपर तो नहीं जाएगी कभी भी, 5 से 8 के बीच में ये मेरिट रहने वाली है। तो जो भी बच्चे 5 या अगर मान लो इससे कम है और आप इन राज्यों में से नहीं है तो भी आपका चांस बनता है, जैसे मान लीजिए राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली, बिहार, यहाँ की कट ऑफ क्या हाई रहती है, हरियाणा हो गया, अगर आप इन राज्य से नहीं है तो आपके यहाँ पर भी चांस है कि आपके 4 नंबर ज्यादा तो भी सिलेक्शन हो जाए, 3 पे भी हो जाए, 3 से नीचे तो बहुत कम चांस है। हाँ, कोई कैटेगरी वाइज जैसे अगर आप नक्सल एरिया से बिलोंग करते हो, आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तब बात अलग है, तब हो सकता है, अन्यथा थोड़ा सा मुश्किल मुझे नजर आ रहा है।
ठीक है, तो ज्यादा नहीं है, नॉर्मली है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए, 15 अगस्त का रिजल्ट आना पॉसिबल कम नजर आ रहा है। बाकी उसके पीछे रीजन ये है कि आपका 13 तारीख तक लगभग रिमेडियल कंप्लीट होंगे, फिर लिस्ट जाएगी, ये मिशन मोड के अंदर जरूर है वैकेंसी, लेकिन फिर भी 2-3 दिन के बाद में रिजल्ट आना बहुत कम चांस है, सरप्राइज ही होगा अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। बाकी आप मेरे हिसाब से पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है अगस्त के अंत तक रिजल्ट आने के पूरे चांसेस रहेंगे, बाकी एसओसी अपने बारे इसके बारे में अलर्ट कर देगी, जैसे भी प्रीपोन्ड किया था मेडिकल को वैसे ही एसएससी का कोई ना कोई नोटिस। जय हिंद, जय भारत।